कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपके लिए एक अच्छा स्टॉक है जैसे मदरसन सुमी, जिसका नाम है, जिसने अपने अभी रिसेंटली उसके क्वार्टर रिजल्ट आए हैं और उसने 4-fold का उसने एक प्रॉफिट दिया, मतलब रिपोर्ट्स में उसने प्रॉफिट एक बुक किया है इस बार अपनी परफॉर्मेंस पे। तो समझ लो कि 600 करोड़ का उसमें प्रॉफिट है और वो स्टॉक कंसिस्टेंटली मैंने उसको बाय करके रखा है 70 रुपीज़ से लेके 102 रुपये तक कंसिस्टेंट चढ़ा है, फिर गिरा है, फिर चढ़ा है, फिर गिरा है, ये सब हुआ है। मैं अभी बताता हूँ आपको उसके चार्ट पैटर्न्स की, कैसे उसके चार्ट पैटर्न्स पे क्या इस समय करंट एक फॉर्मेशन चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये मदरसन सुमी का चार्ट है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड को सपोर्ट करते डाउन अप डाउन करते करते काफ़ी ऊपर तक जा चुका है ये। और इस स्टॉक को आप, मैंने इस स्टॉक को अराउंड 65 पे बाय किया था और अराउंड 102 पे अभी जो लास्ट फ्राइडे के टाइम था उसमें मैंने इसको सेल किया था। फिर उसके बाद आप इस स्टॉक को धीरे धीरे करके एक बाय द डिप कर सकते हो, और अगर आप फ्रेश हो तो आप इसको धीरे धीरे करके परचेज कर सकते हो। ये है एक आपका चार्ट एनालिसिस पैटर्न और ये काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड को फॉलो करता गया है। तो ये इसका नियरेस्ट जो टारगेट होगा, अगर ये 88 तक जाता है तो आप इस पर एक अच्छी बाइंग कर सकते हो, फिर उसके बाद अगर 85 जाता है और फिर 80, ये इसका अच्छा टारगेट है जो आप जिस पे आप इस स्टॉक को आप देख भी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मेरे एक व्यूअर ने मेरे से बोला कि क्या मैं मदरसन को करंट प्राइस पर बाय कर लूँ, जिस दिन फ्राइडे को इसने 102 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। तो नहीं फ्रेंड्स, देखो हमेशा याद रखना, कोई भी स्टॉक जब हमेशा अपने ऑल टाइम हाई पे होता है कभी भी नहीं उस स्टॉक को पकड़ना चाहिए। जब पकड़ने का टाइम आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक जो भी मेरे स्टॉक्स की वीडियो हैं उन स्टॉक्स की वीडियो को फॉलो करो आप, और उस स्टॉक्स को देखो कि क्या इस पर क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये नहीं होता है कि जब वो पैटर्न फॉर्मेशन करके वो ब्रेकआउट दे रहे थे तब नहीं बाय करना होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।